देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रेलवे बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। अब 31 मार्च तक देश में सभी ट्रेन सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन सेवा 31 मार्च तक पूरी तरह से बंद रहेंगी। हालांकि रेल मंत्रालय के मुताबिक 31 मार्च तक मालगाड़ियां चलेंगी। कोरोना के संक्रमण से आम जनता को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। उधर महाराष्ट्र सरकार ने भी अगले 31 मार्च तक मुंबई में लोकल की सेवाओं पर रोक लगा दी है। रेलवे बोर्ड ने इसके साथ ये भी कहा है कि मुसाफिर आगामी 21 जून तक अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। बता दें कि रेलवे ने अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित 12 मुसाफिरों को पकड़ा है।